यही है जेठालाल, भ्रष्टाचारी शिक्षा के व्यापारी का केबिन। एडमिशन के कौपहान का पर्दाफाश करने की घड़ी आ चुकी है मेहता साहब। बिल्कुल, अब ये पेन तलवार की तरह काम करेगी। शांत 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 जेठालाल, शांत शांत। कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर दो। रेडी? ऑल द बेस्ट। मे वी कम इन सर? हाँ आइए आइए प्लीज। नमस्कार नमस्कार। सॉरी हाँ, यह दुकान मेरा मतलब है ऑफिस बंद करने के टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ दिनों में कॉलेज शुरू होने वाली है इसलिए काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं रात को देर तक ऑफिस में रुकता ही हूँ। आप बैठे ना प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। देर तक आप ऑफिस में रुकते हैं मतलब कितने समर्पित हैं आप काम के लिए सर। वो तो मैं हूँ ही। वैसे किसके बेटे का एडमिशन करवाना है? मेरे मेरे बेटे का, टिपेंद्र नाम है उसका, टिपेंद्र जेठालाल गढ़ा, जेठालाल मेरा नाम है, ये मेरे मित्र है तारक मेहता जी, जी। और मैं आई एम खरे। हाँ वो नाम हमने पढ़ा बाहर, आई एम खरे, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। और वैसे कितने इंटरेस्टिंग इनिशियल्स है ना आपके, आई एम खरे। ईश्वर महादेव खरे, खरे किसी से ना डरे। अरे सर क्यों डरे, जब इतना धार्मिक नाम है तो सर इंटरेस्टिंग ही नहीं है, नाम भी कितना धार्मिक है, आपका नाम ईश्वर, पिताजी का नाम महादेव है। नाम भगवान के और काम शैतान जैसे। वैसे आपके बेटे को कितने परसेंटेज मिले? 89% है। 89%? इतने अच्छे परसेंट तो भी एडमिशन नहीं मिला। एक मार्क के लिए उसका एडमिशन रह गया। बोलिए। अरे रे, मार्कशीट है? हाँ है। ओ मार्कशीट के साथ साथ वो भी सर्टिफिकेट्स भी है बहुत सारे, वो भी आप देख लीजिए। सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स। यस। अरे बाप रे, ले चांगला मुलगा। अरे बाबा रे बाबा, स्पोर्ट्स मध्ये पण, अरे वाह, कल्चरल एक्टिविटी पण, वेरी गुड वेरी गुड, काफी होनहार लड़का है। अरे भाई ऐसे लड़के को तो हमारी कॉलेज में एडमिशन मिलना ही चाहिए। मगर बैड लक, एडमिशन बंद हो चुका है और सीटें भी फुल हो चुकी है। नहीं, सीटें फुल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट आ गई है तो हमें पता है, लेकिन जैसे हमारी बात हुई है उस हिसाब से हम लोग 7 लीटर पानी साथ लाए सर। 7 लीटर पानी? कोडवर्ड है ना। कोडवर्ड किस चीज का? पैसे का। 7 लीटर पानी यानी 7 लाख रुपए। मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए पानी की तरह पैसे बहा सकता हूँ। ये सब क्या है? ये 7 लाख रुपए है जो एडमिशन के लिए आप लेने वाले हैं। गिन लीजिए, पूरे 7 लाख है। अरे ये क्या हो क्या रहा है? क्या बकवास है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे ईमानदार आदमी को रिश्वत देने की? आपको पता है मैं कौन हूँ? आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे। यहाँ पैसे देकर एडमिशन नहीं मिलता। M.K. गांधी नंबर 1 कॉलेज है, यहाँ माँ सरस्वती की पूजा होती है। उठाओ पैसा और निकलो यहाँ से। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश में करप्शन बढ़ रहा है। नहीं। सुना नहीं आपने? जाओ यहाँ से, गेट आउट। अरे डरिए नहीं खरे साहब, वो सेटिंग बैच से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। मैं कोई सेटिंग बैटिंग को नहीं जानता। पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ आ गए पैसे देने के लिए। अरे भाऊ, अरे थामा थामा, इधर जा रहे हो? अरे आओ भाई आओ, आप तो सचमुच जा रहे हो? अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आइए तो सही, आइए आइए। सेटिंग बराबर बोला था कि आप लोग सच में बहुत भोले हो, अरे जो किसी से ना डरे, लेकिन आपको डरा दिया। डरा दिया मतलब ऐसी हालत खराब हो गई हमारी तो। अरे बैठिए बैठिए। बिल्कुल कमाल के आप तो एक्टर हैं। हमको तो लगा हमारा प्लान चौपट हो गया, मतलब मेरे बेटे के एडमिशन का प्लान, बेटे का भविष्य संवारने का प्लान। अरे भाई भविष्य संवारने के लिए हम है ना,
पैसा दीजिए मुझे। पैसे लाइए, ये लीजिए। अब ये पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। एक बार और बोलिए प्लीज। पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। क्या बात है सर, आपके रूप में तो हमें देवता मिल गए बस है। वैसे एक बात पूछूं सर। क्या क्या? हाँ मैं कहता हूँ, तो फाइनल लिस्ट निकलने की बात दी, खरे साहब एडमिशन कैसे करा देंगे मतलब? हाँ अरे इसका टेंशन आप मत लीजिए, हम जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, अरे भाई हम ट्रस्टी है यहाँ के, हर कोटा की कुछ सीटें हम हमारे पास रखते हैं। अच्छा मतलब कौन से कोटा होते हैं? अरे वही वो स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात और पूछूं मतलब? हाँ पूछो पूछो। मैं मतलब ये पूछना चाह रहा था कि ये जितने कोटे बताए इन्होंने, काफी सारे कोटा आ गए, उसमें आज तक कितने एडमिशन करा दिए होंगे खरे साहब ने ऐसे? हाँ। मतलब? क्यों, ये तो पुण्य का काम है ना, आपको जान के क्या करना है? नहीं नहीं ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए। हाँ जनरल नॉलेज, जी के गिना नहीं, 100 स्टूडेंट्स को दिया होगा। 100 100 मतलब 1 का 7 लाख मतलब 100 का 7 करोड़ हो गया। ऑफ कोर्स। अरे भाई अगले साल तो भाव बढ़ेंगे 10 लाख रुपए। आप नसीब वाले हो, जो एक सीट बाकी थी आपके बेटे को मिल गई। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा तो हम लोग फंस जाएंगे। अरे कोई वीडियो शूटिंग क्यों करेगा, पर करेगा भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कहते हैं ना, आपका नाम है खरे जो किसी से ना डरे। करेक्ट करेक्ट। खरे खरे क्या बात है सर, आपका स्टाइल बहुत जोरदार है, करेक्ट कभी करेक्ट है। सर एक आप लोग तो ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे मुझे फंसाने आए हो, कहीं आप लोग मेरा स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है हमारे सर्कल में अगर किसी को अगले साल जरूरत पड़े तो आपके पास भेज सकते हैं ना, इसलिए सब पूछताछ कर रहे हैं। चलो चलो अपना काम तो हो गया। एक मिनट। अरे साहब मेरे बेटे का एडमिशन सिर्फ 1 मार्क के लिए रह गया था, आपने सिर्फ 7 लाख में कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत खराब थी तो एडमिशन नहीं हुआ, अब किस्मत अच्छी हो गई तो हम मिल गए और आपका काम हो गया, अब एंजॉय करो। हाँ एंजॉय करो। किस्मत तो अभी खरे कर तेरी खराब होने वाली है, खर खरे। चलो भी चलो। हाँ चलो चलो ओके। चलो चलो, चलो। अरे 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 थाम्बा भाऊ थाम्बा, अरे कसा लगाई करते हैं, अभी अभी तो नया रिश्ता बना है, कुछ लीजिए ना, चाय कॉफी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, जूस पीजिए, जूस जूस बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है करे साहब, असल में क्या है कि जेठालाल ने मुझसे वादा किया था कि अगर टप्पू का एडमिशन हो जाता है तो ये सीधे मुझे एक 5-स्टार होटल में लेके जाएंगे और वहाँ पार्टी करेंगे। हाँ। तो अभी हम सीधे वहाँ जा रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, कुछ तो खातिरदारी करेंगे। अरे अरे बबलू बोला, अरे योगी साहू लोकर फटाफट, अरे आप लोग चिंता मत करो, ओ भाई साहब इधर देखो इधर देखो। अरे चौंक क्यों गए, ये तो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। योगी तुझे पेन बहुत पसंद है ना, इनकी जेब से निकाल के ले ले। पेन पेन क्यों चाहिए आपको, 7 लाख रुपए तो दे दिए ना, अरे पेन की क्या जरूरत है? पेन का क्या करेंगे आप, इतने पेन है, एकदम मामूली पेन है ये। पेन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे एक सर्टिफिकेट साइन करना है। कैसा सर्टिफिकेट साइन करना है? आप दोनों बेवकूफ है उसका सर्टिफिकेट, और नहीं तो क्या, तुम मेरा वीडियो उतारोगे, मुझे फंसाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। वीडियो क्या क्या बात कर रहे हो, ये पेन तो एकदम मामूली पेन है। हाँ नॉर्मल। बकवास बंद करो, तुम मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे, पेन में कैमरा छुपा के आते हो, सेटिंग ने तुम्हारी पेन देख ली थी,
मंगल मूर्ति योगी, पेन को मेरे हवाले करो। यही है वो पेन जो हमें जेल भेजने वाली थी। माँ सरस्वती के सामने कलम का अपमान कर रहे हैं आप। एकदम आवाज बंद। तुम लोग जितने बेवकूफ दिखते हो उससे कई ज्यादा बेवकूफ हो। जाओ अपने घर, और जब तुम्हारा बेटा पूछेगा कि पापा क्या हुआ, तो उसे बताना कि बेटा एडमिशन नहीं हुआ और हमारे 60 लीटर पानी पे पानी फिर गया। तुम लोग जितने बेवकूफ दिखते हो उससे कई ज्यादा बेवकूफ हो। जाओ अपने घर, और जब तुम्हारा बेटा पूछेगा कि पापा क्या हुआ, तो उसे बताना कि बेटा एडमिशन नहीं हुआ और हमारे 60 लीटर पानी पे पानी फिर गया। देखिए, आपको एडमिशन नहीं देना है कोई बात नहीं, हमारे पैसे तो वापस दे दीजिए। नहीं देता, जा। अब ना पैसे मिलेंगे ना एडमिशन। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सर, ये गलत कर रहे हैं आप। एक शब्द भी ज्यादा बोले ना तो याद रखना ये लोग हड्डी तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। देखिए खरे साहब, आप M.K. गांधी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज के ट्रस्टी हैं और आप ट्रस्टी होकर अगर ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? उसे लगेगा पढ़ाई की क्या जरूरत है? अगर 1-2 नंबर कम भी रह जाते तो क्या हुआ? आप जैसे ट्रस्टी बैठे हैं ना, जो रिश्वत खा के पैसा खा के उनका एडमिशन करवा देंगे। अरे साहब, आपका काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे समाज का सृजन करना, उसकी जगह आप यहाँ बैठ कर पैसे खा रहे। बस बहुत हो गया अभी, तुम लोगों की बकवास बंद करो। इन लोगों को बकवास सुनने की आदत नहीं है। ये लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब निकलो यहां से, निकलो। बड़े आए मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने, खबरदार अगर फिर से इस कॉलेज की तरफ मुड़ के भी देखा तो। I am खरे, ईश्वर महादेव खरे, खरे किसी से न डरे। Get out! मेहता साहब, ये क्या हो गया? शिकार करने निकले थे, खुद ही शिकार बन गए। सिंगम बन के गए थे, चिंगम बन के लौट रहे हैं। सारी गलती हमारी है ना, हम अपने मोबाइल वो शटिंग भाई के वहां भूलते ना, वो अपने मोबाइल देना बाहर आते ना, मेरे जेब में रखी है पेन को देखता। ये शटिंग भाई और ये ट्रस्टी दोनों कितने चालाक निकले, हमको पता ही नहीं चलने दिया कि उनको पता चल गया। पर हम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि M.K. गांधी कॉलेज में एडमिशन में धांधली चल रही है। टप्पू का एडमिशन तो दूर की बात, 7 लाख रुपए भी गए, खुले आम दादागिरी चल रही है यहाँ। दादागिरी क्या, गुंडागिरी कर रहे हैं ये लोग। ऐसे भी गए और सबूत भी तोड़ दिया, अब घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? देखना, अभी पापा और मेहता अंकल सारे सबूत लेकर आते ही होंगे। हाँ, अब बस कुछ ही देर है, फिर वो विद्या का व्यापार करने वालों का चेहरा समाज के सामने आ जाए। हाँ, और फिर जो जो गुनेगार है उन सबको पुलिस जेल में डाल देगी, और फिर तेरा फाइनली एडमिशन M.K. गांधी कॉलेज में हो जाएगा। और फिर हम लोग साथ में M.K. गांधी कॉलेज जाएंगे और धमाल करेंगे। और फिर सबको पार्टी भी मिलेगी, मजा आएगा जीता। मम्मी, पापा का फोन आया। अरे जीता, मैं कब से पापा के फोन की राह देख रही हूँ। अरे तुम मम्मी, तुम फोन करके पूछो ना कि वो लोग सबूत लेकर कब आ रहे हैं। डोलो, घर से फोन आ रहा है। बाबूजी,
गया। लगता है जेठे और मैथुस वो विद्या के व्यापारियों के बीच में होंगे, सबूत इकट्ठा कर रहे होंगे, इसलिए अभी बात नहीं कर पाएंगे, बाद में करेंगे। फोन क्यों कर दिया जेठला? तो क्या कहता, मुबारक को दया, हम नाक कटवा के और पेन तुटवा के आ रहे हैं। बापूजी और दया को लग रहा होगा कि अब तक तो हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे, उनको क्या पता कि सबक सिखाने की जगह हम लोग सबक सीख के आ रहे हैं। भीड़े सोडी हाथी भाई पोपटला लय्यर भाई को पता चलेगा तो सब हम पे हंसेंगे, और बापूजी को पता चला कि 7 लाख भी गए तो क्या? क्या बाबू चक, वो ट्रस्टी को पकड़वाने के बजाय तू उसे 7 लाख रुपए देकर आ गया? सोसाइटी में तो बहुत चालाक बनते हो, वो ट्रस्टी के सामने हवा निकल गया ना तुम्हारा। जेठालाल मेहता साहब को साथ में लेकर गए, उसके बजाय मुझे ले जाना चाहिए था। अरे मैंने को बोला होता, मैं स्पाई कैमरा ऐसे जगह फिट करता कि किसी को मालूम नहीं पड़ता। मैं पत्रकार हूँ, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह में मेरी मास्टरी है। कड़ा खंडन का नाम डुबो दिया तूने, नाक कटवा दी नाक तूने। नहीं क्या? नहीं जेठालाल क्या हो गया? मेहता साहब, हम हारे हुए सिपाही की तरह घर वापस नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, इस घरे की दादागिरी की शिकायत करेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। ओहो, लगता है कच्ची सिंगम फिर से जाग गया है। ये घरे को पता नहीं है, जब शेर घायल होता है तो और भी खूंखार हो जाता है। चलिए पुलिस स्टेशन। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या गजब हुआ, ये क्या सितम हुआ, न जानू मैं न जाने जेठालाल। अरे किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा, हम खुद शिकार बन जाएंगे। खड्डा खोदने गए थे ट्रस्टी आई एम खरे के लिए और खुद गिर गए उसमें, जाल फेंका था उसके लिए फंस गए हम, एडमिशन तो नहीं हुआ टप्पू का और ऊपर से 7 लाख रुपए भी गए, ऐसे बेवकूफ बने हम। लेकिन नहीं, ऐसे हार मानने वाले नहीं है हम, हमें पुलिस पे भरोसा है, हमें इंस्पेक्टर चालू पांडे पे भरोसा है। इंस्पेक्टर चालू पांडे के जब डंडे पड़ेंगे ना तो हकीकत बाहर आ जाएगी, हम जरूर चालू पांडे जी को लेकर जाएंगे। और इस आई एम खरे ने हमारा बैंड बजाया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम चालू पांडे जी के साथ उसका भी बैंड बजाएंगे। अब क्या होगा आगे, ठाकुर के साथ आप देखेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।